एक बार पानी पीने के बाद 7 दिन तक। सही है। सो गाइस फाइनली जो सबसे बड़ा तोप है वो मेरे पीछे है। हम लोग जल महल से निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी कि पहाड़ी एरिया के सदर साइड। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो लोकेशन चेकआउट करने वाले हैं वो होने वाला हमारा जयगढ़। वाओ गाइस देखो यहाँ से आपका जल महल दिख रहा है, ये व्यू है कमाल का। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ न्यू डेस्टिनेशन जयगढ़। और जयगढ़ एक ऐसा फोर्ट है जो सच में मैंने अभी तक चेकआउट नहीं किया है। तो ये है हम लोग जयगढ़ का बोर्ड और पीछे मेरे है जयगढ़। तो चलिए चलते हैं। और गाइस बहुत सारी स्टोरी है यहाँ के बारे में जो इसको बहुत स्पेशल बनाती हैं। लाइक जो पहला पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ा तोप रखा हुआ है। जी हाँ, अंग्रेज़ों के टाइम पर जो सबसे बड़ा तोप बना हुआ था वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस अभी हम लोगों को क्या पता चला है कि जहाँ से टिकट लेते हैं उन्होंने बताया कि हमें गाड़ी का चार्ज देना पड़ेगा 100 रुपीस, और उसके बाद हम लोग गाड़ी को अंदर ले जा सकते हैं। गाइस अभी जो व्यू देख रहे हो वो है किले के अंदर का, और किले के अंदर हम लोगों ने गाड़ी लेके जा रहे हैं जिसका हमने चार्ज 100 रुपीज पे करा है। तो अभी देखो ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, बट ये जो है वो पूरी तरह से किला ही है। सो गाइस गाड़ी को हमने पार्क कर दिया है किले के अंदर, जयगढ़ किले के अंदर। और अभी देखो टूरिस्ट तो कम है बट पूरी तरह से हम लोग ऊपर हैं। अगर आपने चाइना की दीवार देखी हो तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं चाइना के दीवार के ऊपर हूँ। सेम टू सेम मैंने उसका ड्रोन शॉट देखा हुआ था, वैसे ही लग रहा है। और गाइस यहाँ की एक और खास बात बताता हूँ, यहाँ का जो तोप है वो एशिया का सबसे बड़ा तोप है जिसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और उसको एक बार चलाया गया था और यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर जाके गिरा था और वहाँ पे एक तालाब बन गया है। गाइस जो जयवान तोप है ये देखिए कब बना था, 1720 में बना था, वो भी महाराज स्वाई जयसिंह द्वितीय के टाइम पे। इसकी जो लेंथ है वो 20 फिट है और जो गोलाई है 8 फिट है, और इसका जो वज़न है वो आपका कितना पड़ता है, 100 किलोग्राम का बारूद ये दाग सकता है। और इसका जो वज़न है वो है आपका 50 टन। सो गाइस फाइनली जो सबसे बड़ा तोप है वो मेरे पीछे है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको एक क्लोजर लुक।
स्पेशली किला राजा के रहने के लिए नहीं था, एक किला था यहाँ से जयपुर की सुरक्षा करने के लिए, जो भी यहाँ पे बनते थे ना तो तोप हो गए या कोई भी गोले बारूद इधर ही साइड के लिए। हाँ, वैसे भी किला कोई भी चीज़ ऐसे होता है ना तो किसी भी सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं, यहाँ पे सेना रहती है कि अंदर कोई आ ना सके, किलो का यही काम होता है। बॉडीगार्ड है इसका नाम बहुत अच्छा है ना, रोहित, रोहित मेहरा, जेरी बुलाते हैं जेरी। गैस जयगढ़ की एक खास बात और बताता हूँ कि बताते हैं कि जब इंदिरा गांधी का टाइम था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खजाने रखे हुए थे, तो एक हफ्ते के लिए जो दिल्ली का रास्ता है उसको बंद कर दिया गया था और एक हफ्ते तक यहाँ से खजाने जा रहे थे दिल्ली। अंजलि तुम कहाँ हो देव? अरे हम लोग वहीं से तो गए थे नहीं, जो कार वहाँ से थी, फिर वहाँ से ऐसे आया। दिलों की आन बान शान देव बाबू तुम कहाँ चले गए थे देव बाबू? देखो भाई साहब को डर नहीं लग रहा है, यहाँ पे इन्होंने अपनी कुर्बानी देने के लिए यहाँ पे बैठ गए हैं, तो सर क्या आपको डर नहीं लगता है? अरे नहीं सर, किसका डर है, ये डर तो बचपन से काम है ये। क्या बात है, खतरों से खेलते आए हम। गैस खजाना के लिए हम लोग जा रहे देखने के लिए, टॉप को देखने के बाद यहाँ से आमेर के लिए सुरंग जाती है। ओके सो गाइस, यही वो एरिया है जो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ से खजाना जो निकला था वो एक से दो हफ्ते तक यहाँ से खजाने जाते रहे थे इंदिरा गांधी के टाइम पे, और उस टाइम पे जो रोड थे वो पूरी तरह से ब्लॉक थे। इसके पीछे का जो एरिया आप देख रहे हो पूरा यहाँ पे खुदाई हुई थी और यहाँ से खजाने निकले थे। इवन यहाँ से आपका सुरंग भी जाती है आमेर फोर्ट के लिए। ये गाइस खजाना है, अभी इसके अंदर पानी भरा हुआ है और जो भी जीत के आते थे वो इसी के अंदर रखते थे। गाइस इसको ऊपर चल रहा हूँ, इसके नीचे जो है पानी है, एक फ्लोर पे पानी रहता था, एक फ्लोर पे खजाना, देख रहे हो। ये भी खजाने का एरिया है और इसी से जयपुर को बसाया गया था जो आप चीज़ें मिली थी। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है 9 कमरे हैं, ये सिपाहियों के लिए था, सिपाही इसके अंदर रहते थे। मतलब यार हैरान करने वाला है ना कि इतनी ऊंचाई पे पानी, देखो ना गहरा, वाह यार देख रहे हो कितना गहरा है गाइस। ये पहाड़ के ऊपर इतनी गहराई में मतलब कुछ बनाना और वहाँ पे पानी सस्टेन करना ये बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पे पानी, मतलब अभी हम लोगों ने ईंट मारा, पानी नीचे था। कैसे यहाँ पे पास में एक रूम है और यहाँ पे पुराने टाइम के बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसको आप परचेज कर सकते हो। ये गणेश भगवान है। राजस्थान का, रेगिस्तान का जहाज, एक बार पानी पीने के बाद 7 दिन तक सही है।